हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर अभिनंदन है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल अभिनव व्यूज़ में। सुबह की रिमझिम बारिश के साथ अभिनव व्यूज़ आपका स्वागत करता है। हमारी चर्चा अंतरिक्ष और सौरमंडल पर जारी रहेगी। अभी पिछले वीडियो में हमने तारों की लाइफ पर डिस्कस किया था। अब आज इस वीडियो का प्रारंभ अब आकाश की विशेष घटनाओं की चर्चा के साथ करेंगे। फिर हमारे स्पेशल सौरमंडल के नन्हे ग्रह बुध से शुरू करके हम इस सीरीज़ में सभी ग्रहों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जानकारियों की एनालिसिस करेंगे। तो स्टे विद अस, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। जानकारियां बहुत विश्लेषण के बाद प्रस्तुत होती हैं, बहुत उपयोगी होंगी आपकी चर्चाओं में, एग्जाम्स में, इंटरव्यू में भी। सो कीप वॉचिंग अभिनव व्यूज़। हाँ, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और फ्रेंड्स में लाइक करना ना भूलें। जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष की तो नवीनतम घटनाओं का हम जिक्र जरूर करेंगे। अभी अभी हमारा हाल में ही चंद्रयान 2 का प्रयास हुआ है, उसके बाद इसरो के अगले कार्यक्रम जो हैं, अब हम चंद्रमा से सूर्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला कार्यक्रम है हमारा मिशन आदित्य। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है और उसके बाद हमने बड़ी छलांग लगाने की सोची है इसरो ने। हमारा देश का एक महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान मिशन है। ये अंतरिक्ष में मानव मिशन होगा, पहला भारतीय मानव मिशन। अभिनव व्यूज़ के जीके वीडियो में आदित्य मिशन पर हमने चर्चा की थी, एक बार हम फिर स्मरण में लाते हैं। आदित्य मिशन का उद्देश्य हमारे सौरमंडल की जो मुखिया है सन, उसका अध्ययन करना था। सन 2020 में इसको लक्ष्य किया गया है। इसमें 1.5 मिलियन किलोमीटर पे जो हेली ऑर्बिट है उसमें लैग्रेंज पॉइंट होता है L1 पॉइंट, इस पर एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित होगी और इसका मुख्य काम होगा कोरोना हीटिंग जो होती है सूर्य की जो आउटर सरफेस की, और सोलर विंड इनका अध्ययन करेगी। तो चूंकि सोलर विंड की बात चली तो हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। USA की नासा एजेंसी का पार्कर सोलर मिशन जो था, पार्कर सोलर प्रॉप उनने वहाँ पर भेजा है सन की तरफ, वो 6 मिलियन किलोमीटर्स दूर रह करके सन के फोटोस्फीयर का अध्ययन कर रहा है। इस मिशन में बहुत जल्दी हम लोग भी शामिल होंगे हमारे आदित्य मिशन के साथ। तो जब हम सन की बात चल रही तो सबसे पहले हम ये देखें, ये हमारा सूर्य है। आदित्य, प्रभाकर, तेजस, कई नाम हैं इसके। हिंदू मैथोलॉजी में सूर्यदेव कई पौराणिक कथाओं में नायक रहे हैं। विज्ञान के नज़रिए से एक तारा है। 5 बिलियन वर्ष पुराना यह तारा अपने मध्यक्रम के जीवन से गुजर रहा है। यह येलो रेड सा चमकने वाला तारा हमारे सौरमंडल का केंद्र है। 1.4 मिलियन किलोमीटर इसका डाया है, मतलब इसका जो व्यास है। इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, यही इसके ऊर्जा के भंडार हैं। सबसे बाहरी सरफेस जो है वो फोटोस्फीयर कहलाता है, जो कि हमें विजिबल होता है। उसके बाद क्रोमोस्फीयर और उसका एक्सटेंशन बढ़ता जाता है। जो फोटोस्फीयर का टेम्परेचर है वो करीब 5500 डिग्री एवरेज में है और चमकदार कोरोना या क्रीट किसी मुकुट की तरह दिखता है, और यहीं से हीट और लाइट इमिट होती है जो हम तक पहुंचती है। यहीं से ज़बरदस्त ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक्चुअली ये ऊर्जा जो होती है केंद्र से बाहर की तरफ आती है। केंद्र में जो हाइड्रोजन और हीलियम है इनका फ्यूज़न होता रहता है, इससे ट्रेमेंडस एनर्जी निकलती है और इस लेटर एनर्जी धीरे धीरे आउटर फोटोस्फीयर से बाहर की तरफ निकलती है। ये जो ऊर्जा है इसकी नाभि कोर में स्थित है और हीलियम के अवशेष और प्लाज्मा से होने वाले जो फिजन फ्यूजन है उससे वही इस रेडिएशन का मुख्य कारण है। अब हम ये देखते हैं कि जो फोटोस्फीयर से आगे क्या होता है। जो हमें तो फोटोस्फीयर चमक में दिखता है, लेकिन उसके आगे क्रोमोस्फीयर है, करीब 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो बाहरी वातावरण जो होता है ये जोन उसके कारण ही होता है। कोरोना जो है वो कई मिलियंस किलोमीटर तक है और क्रोमोस्फीयर और कोरोना केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिखते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब वहाँ एक डायमंड रिंग की जो बात उठती है वहाँ पर हम देखते हैं उसका पूरा किरीट हमें चमकता हुआ दिखता है टोटल सोलर इक्लिप्स में। इसी तरह हम देखते हैं कि यदि हम सूर्य के अंदर जाएं तो देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ही वैसा जोन है, कॉन्सेंट्रेट जोन है उसमें, और रेडिएशन जोन होता है उसके बाद। एक बड़ा एरिया है जिसमें जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, बहुत ही गर्म होता है।
जो कोरोना यानी जो सूर्य का जो आउटर में आते आते तक 2 मिलियन डिग्री हो जाता है और आउटर सरफेस फोटोस्फीयर में केवल 5500 डिग्री रहता है। अब हम प्रश्न लेते हैं हमारी पृथ्वी से। इसमें हमें एक बहुत विचित्र सी चीज को फेस करना पड़ता है, सूर्य ऊर्जा से आई हुई सोलर विंड को। ये सोलर विंड जो है वो उसके पीरियोडिक स्टॉर्म आते हैं। ये भी वैसे ही जैसा मैंने तारों का बताया कि इनकी स्टेलर एनर्जी अंदर ब्लास्ट होती है, बाहर निकलती है सरफेस से और फिर अनंत अंतरिक्ष में चल पड़ती है। जब ये पूरे अपने आसपास के ग्रहों से गुजरती है तो डेफिनेटली अफेक्ट करती है, क्योंकि ये बहुत चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह सूर्य की ऊर्जा से जो सोलर विंड निकलती है उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि नियरेस्ट ईयर, अभी अगला कौन सा ऐसा वर्ष है जब हमारा सोलर स्टॉर्म एक्टिविटी हमारी एक्सपेक्टेड है। जैसा कि मैंने बताया ये बड़े पीरियोडिक चलती है, तो वो पीरियोडिक होने का टाइम आ रहा है नेक्स्ट कब। ऑप्शन है 2023 कि 2020, तो इसका उत्तर है 2023। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि जो 2023 और 2026 में एक्सपेक्टेड सोलर स्टॉर्म है वो होता क्या है, करता क्या है और क्या उससे हमें नुकसान संभावित हो सकते हैं। तो अभी जो लास्ट हमारा देखा गया था वो 2012 में देखा गया था, बहुत बड़ा तूफान था वो, पर पृथ्वी की किस्मत है कि उसका डाइवर्ट हो गया तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और उसके भी 12 साल पहले का जो 2003 का हालोइन नाम दिया था, हालोइन मतलब डरावना, एक फेस्टिवल भी होते हैं ईस्ट अपना जो ईस्टर्न देश है वहाँ पर, तो हालोइन सोलर स्टॉर्म 2003 में हुआ था, उसके बाद 2012 और अब इसका नंबर आ रहा है 2023 से 2026 के बीच में एक्सपेक्टेड है। सोलर विंड होते क्या स्टॉर्म्स? एक सोलर स्टॉर्म जो होता है वो एक डिस्टरबेंस एक तरह का, सन के हेलियोस्फीयर में से ये एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है और अफेक्ट करते हुए जाती है मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द अर्थ और बाकी भी प्लैनेट्स को अफेक्ट करती है, पूरा स्पेस का एटमॉस्फेयर को खराब करती है, खराब इन द सेंस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो जो चीजें इलेक्ट्रिक पे बेस्ड हैं या मैग्नेटिक एनर्जी पे बेस्ड हैं वो फर्क आता है उसमें, ये पूरे स्पेस वेदर का क्लाइमेट ही चेंज कर देती है। हम ये देखते हैं सोलर एक्टिविटी जो होती है, ये डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं इनका एक तरह की फ्लेयर की तरह निकलते हैं। एक फ्लेयर जो होते हैं, फ्लेयर मतलब चार्ज कणों की ऐसी बौछार सी निकलती है और वो पृथ्वी का जैसा मैंने बताया मैग्नेटोस्फीयर के अलावा जो लो ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं पृथ्वी पे उनको भी प्रभावित करते हैं। सन में एक अपेरेंट सरफेस होता है फोटोस्फीयर जो सब में दिखता है बाहर, उसमें जब ज़्यादा सन एक्टिविटी होती है रेडिएशन होने लगते हैं तो वो इंक्रीज होने लगता है, और जब ये एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पे सन स्पॉट्स बन जाते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं, हम देख सकते हैं उनको। यही साइंटिस्टों ने पता लगाया था कि जब जब काले धब्बे बनते हैं यानी सोलर स्टॉर्म शुरू हो गया। इसमें होता ये है कि सोलर कोरोनल मास जो होता है वो इजेक्ट होने लगता है। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बाहरी उसमें जो ऊर्जा है वो ऐसी फ्लेयर के रूप में, लपट के रूप में निकल पड़ती है। That is that CME मतलब सोलर कोरोनल मास इजेक्शन जो है, ये घटना प्राय 11 साल में एक साइकिल के रूप में होती है। यूं तो एनर्जी हमेशा निकलती रहती है लेकिन फ्लेयर या तूफान के रूप में एवरी 11 ईयर्स में साइकिल होती है और तुरंत वहां पे सन स्पॉट्स अपियर होने लगते हैं सन में। पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर को जो नुकसान होता है, पृथ्वी के आसपास हम समझते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है पूरा, उससे हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। तो जब CME यानी कि सोलर कोरोनल मास इंजेक्ट होकर के पृथ्वी के जियो मैग्नेटिक क्षेत्र में आता है और जैसे जैसे सन स्पॉट्स घटते या बढ़ते हैं तो ये साइकिल भी घटता बढ़ता है, और इनकी शॉक वेव्स के कारण मैग्नेटिक चार्ज बादलों के तूफान आने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है। उसके परिणाम क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया स्पेस वेदर तो खराब होता ही है, पर एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल चार्जेस आ जाने से मैरीन का, एयर का, एमेचर कम्युनिकेशन जो भी HF पे बेस्ड रहते हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अल्ट्रावायलेट जो नॉर्मली 300 nm के स्तर से होती है उसका 400 गुना उसका रेडिएशन हो जाता है, जिससे ओजोन की जो लेयर रहती है उसको भारी नुकसान पहुंचता है और हमारे हेल्थ पे अल्टीमेटली असर होता है। ये जो इफेक्ट था CME का, कोरोनल मास इंजेक्शन का, इजेक्शन का, तो ये कैरिंगटन इवेंट सबसे, इसको एक कैरिंगटन इवेंट, एक वैज्ञानिक जो थे रिचर्ड कैरिंगटन, इनके नाम पे इसको नाम दिया गया है। रिचर्ड कैरिंगटन और रिचर्ड हॉडगसन ने इसको पहली बार देखा था। तो इस इवेंट में सबसे ज़्यादा गंभीर हुआ था 1859 में आया था ये सोलर विंड, सबसे डेंजरस तूफान था ये, 10वीं सोलर साइकिल में हुआ था 1 से 2 सितंबर 1859
को ये पृथ्वी पे आया था। इससे पकड़ में कैसे आता है, ये अरोरा डिस्प्ले जो होते हैं हमारे ध्रुवी ज्योतियां जिनको कहते हैं, और टेलीग्राफ में डिस्टर्बेंसेस से ये तुरंत पता लग जाता है ये शुरू हो गया। पूर्व के जो स्टॉर्म आए हैं हमारे, जो जिनको हमने अपीयर देखा है, तो 2003 का हेलोवीन स्टॉर्म, 2013 का जो पिछला सोलर विंड था वो भी इसी तरह का था, कैरिंगटन इवेंट की तरह, पर बच गया, पृथ्वी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और अब इसमें जो कॉरोनल लूप्स दिखने की संभावना है, सनस्पॉट्स की संख्या बढ़ने की, वो नेक्स्ट 2023-26 में, जब ये साइकिल 25 होगा, 2023-26 में साइकिल 25 होगा, इसमें 95 से 130 तक की रेंज के सनस्पॉट्स एक्सपेक्टेड हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान नासा के स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर ने लगाया है। अब पृथ्वी के ये जो सोलर एक्टिविटी को इन्हें बारीकी से अध्ययन किया, इन दोनों वैज्ञानिकों के फोटो देख रहे हैं हम, सैमुअल हेनरिच, रुडोल्फ वोल्फ, इनने सोलर साइकिल के बारे में काफ़ी अध्ययन किया और ये इसके एक निश्चित साइकिल के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे भारत के दूसरे इम्पॉर्टेंट मिशन यानी गगनयान की। गगनयान भारत का पहला मानवयान है जो 2022 में अंतरिक्ष में होगा। हालांकि इसकी घोषणा 15 अगस्त 2018 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय लाल किले के भाषण से शुरू करी थी। कैबिनेट ने 10,000 करोड़ यानी $124 बिलियन मंजूर भी कर दिए हैं। तकनीक की बात करें तो 3.7 टन वजन का यह यान दिसंबर 21 में सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 से छोड़ा जाना प्रस्तावित है। चूंकि इसका वजन 1750 किलो से ज़्यादा है पेलोड, इस वजह से इसको GSLV रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। ये जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी से मतलब लगभग 400 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। 16 मिनट में इसको लॉन्च करने के 16 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा और 7 दिन तक अंतरिक्ष में 3 भारतीय व्योमोनॉट्स के साथ होगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री भविष्य में व्योमोनॉट्स कहलाएंगे, व्योम यानी अंतरिक्ष का नाम है, जिसमें एक महिला भी होगी ऐसी घोषणा की गई है, प्रस्तावित है। फिर ये स्पेस यात्री सहित वापसी में आफ्टर 7 डेज कैप्सूल जो ये है ये बंगाल की खाड़ी में पानी में लैंड करेगा। जाते समय इमरजेंसी के लिए स्पेस इजेक्ट सिस्टम सहित 2.5 वर्ष का कड़ा प्रशिक्षण बेंगलोर व अन्य देशों में हमारे अंतरिक्ष यात्री लेंगे। मुख्यतः इसमें इंडियन एयरफोर्स के पायलट चुने जा सकते हैं। इसकी पहले टेस्ट फ्लाइट भी प्रस्तावित है जो दिसंबर 2020 में, उसके बाद एक बिफोर यानी जुलाई 2021 में होगी और फाइनली ये दिसंबर 2021 में रवाना होके 2022 में अंतरिक्ष में होगा। स्मरण रहे 2022 वो वर्ष है जब हम अपने आज़ादी किया 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, तब हमारे व्योमोनॉट्स नारंगी कलर की अंतरिक्ष वेशभूषा में स्पेस सूट में अंतरिक्ष में होंगे। ये जो नाम है व्योमोनॉट्स ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रूस का कॉस्मोनॉट्स होते हैं, रूस के जो यात्री कहलाते हैं, और अमेरिका के यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष यात्री वो एस्ट्रोनॉट्स कहलाते हैं। अब अंतरिक्ष यात्रियों की बात चली है तो हम उन भारतीयों का जिक्र जरूर करेंगे जिनका अंतरिक्ष यात्राओं से संबंध रहा है। आइए अपना नॉलेज और अपनी मेमोरी को फिर से रिफ्रेश करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऑप्शन है हमारे पास 1986, 1984 और इसका आंसर है 1984। हम बात करेंगे कि राकेश शर्मा जी के बारे में, ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे और ये पंजाब प्रांत के हैं। सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने सोयुज T-11, ये 1984 में अंतरिक्ष में गया था। ये इंटर कॉस्मोस रूस का मिशन था। ये 1970 में इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट से कैरियर शुरू करके 1982 में कॉस्मोनॉट चुने गए थे इस मिशन के लिए और 2 अप्रैल 84 को सोयुज T-11 ने उड़ान भरी राकेश शर्मा जी को लेके। अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट गुजारने के बाद हमारे ये हीरो वापस आए अंतरिक्ष से। रूस ने इन्हें हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन से सम्मानित किया, अशोक चक्र 1984 भारत। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी जो थी, हमारी प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, तो उनने अंतरिक्ष के दौरान यात्रा के दौरान इनसे बात की थी। तब राकेश शर्मा जी ने कहा था कि मुझे यहाँ से सारे जहाँ से अच्छा मेरा हिंदुस्तान दिख रहा है, तो काफ़ी फेमस हुआ था ये वाक्या। और
अब हम बात करते हैं राकेश शर्मा जी के अलावा भारतीय मूल के और लोगों ने अंतरिक्ष में खासा दखल रखा। कल्पना चावला जी की बात करते हैं, करनाल भारत की कल्पना चावला भारतीय मूल की यूएसए की नागरिक हैं, नागरिक थीं, क्योंकि 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल में अंतरिक्ष में 31 दिन 31 डेज 14 आवर्स और 54 मिनट्स गुजारने के बाद वापसी के दौरान एक डिजास्टर में उनकी असामयिक मृत्यु हुई। पूरा देश उनके इस साहस को नमन करता है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। 1997 के कोलंबिया शटल मिशन की स्पेशलिस्ट रह चुकी थी। 1 फरवरी 2003 को यह दुर्घटना हुई। मरणोपरांत नासा ने डिस्टिंग्विश मेडल और कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर से अवार्ड सम्मानित किया। अगली जो अंतरिक्ष यात्री जिनका भारत से नाता है, भारतीय गुजराती परिवार से हैं, पर ये इंडो स्लोवेनिया मूल की हैं, सुनीता लायन सनी विलियम्स, ये यूएस नेवी ऑफिसर थी हैं। यहाँ से उन्हें अपना कैरियर शुरू करके अंतरिक्ष यात्री तक पहुंची। लार्जेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट इनने 195 डेज का इनका रिकॉर्ड है। स्पेस वॉक का भी रिकॉर्ड है, 50 घंटे 40 मिनट 50 hours 40 minutes स्पेस वॉक का इनका रिकॉर्ड। ये जिस अंतरिक्ष यान से गई थी वो STS-6 ने 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। एक नाम और है जो इस गुमनामी में चला गया, वो थे रवीश मल्होत्रा जी। ये भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे और इनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी गई थी, रिजर्व के रूप में रखा गया था राकेश शर्मा जी के। इस तरह से ये चूंकि अंतरिक्ष में जा नहीं पाए तो बहुत हमारे कई जहन से नहीं है, लेकिन इनके प्रयासों को भी हम सम्मानित करते हैं। लाइक करें, शेयर करें अभिनव व्यूज़ को, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए वेट करिए, वॉच करिए और शेयर करिए अभिनव। Thank you.